हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एग्जाम मंत्र। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और इस शो पे, जहाँ पर हम एसएससी के से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बारी बारी से कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, और प्रोनाउन में हम लोगों ने 44 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इसके पहले। आज हम 45 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और यहाँ पर कोशिश रहेगी एक एक क्वेश्चन में बेहतर से बेहतर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 45 क्वेश्चन, ठीक है गाइज। इसको देखिए 45 से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा पहले, तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इमीडिएट। तो क्वेश्चन नंबर 45 था हमारा, ये क्वेश्चन था। आइए इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जस्ट अ सेक इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 45 और आंसर करने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिला है। अब देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। सर वाज पहले लिख रहा है, अगर सब्जेक्ट से पहले लिख रहा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव होगा, तो ये देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहा है, सही है। इसके बाद कह रहा है मी लिख रहा है, इसके बाद हु लिख रहा है। और हमने पढ़ा था सर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या पढ़ा था सर कि हु एक क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वॉट इट, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी एक को किसी दूसरे के लिए रिलेट करे, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका यूज हम किसी ना किसी के लिए कर रहे होंगे, और इसका यूज हम कर रहे हैं किसके लिए, मी के लिए, ठीक है। और ये भी पता है कि हु का यूज हम करते हैं सर सब्जेक्ट के लिए, और जब हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट के लिए आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये मी के लिए नहीं आएगा सर, यहाँ पर ये आई के लिए आएगा। तो राइट आंसर विल बी आई। इससे रिलेटेड इसी तरीके क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर हो सकता है आगे भी मिले आपको। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 45। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। गाइस ध्यान से देखिएगा, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। ये लिख रहा है जो ऑडियंस है उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई टू बी इन इट्स सीट, कि अपनी सीट में बने रहे एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक, और ट्रैक से दूर रहे। तो देखो द ऑडियंस बिल्कुल सही लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आर लगा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए इट्स लगा रहा है। कौन अपनी सीट पर बैठे रहे हैं भाई, ऑडियंस। और ऑडियंस है कैसी, प्लूरल। नहीं पता चल रहा है तो इससे पता कर सकते हो कि इसके लिए वर्ब कैसी लगा रहा है, प्लूरल। क्योंकि इसके लिए वर्ब प्लूरल लगा रहा है, ये जो इट्स लिखा हुआ है फिर ये रॉन्ग हो जाएगा सर। इसकी जगह हमें करना पड़ेगा प्लूरल पजेसिव, और प्लूरल पजेसिव आप जैसे कि जानते हो कि थर्ड पर्सन में एक ही प्लूरल होता है, वो दे होता है, और दे का प्लूरल पजेसिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये 46 हमारा क्लियर हो गया। 46 में आई होप आप समझ पा रहे होंगे आप बात को, कि 46 में हमने यहाँ पर देयर क्यों किया, बताइए देयर करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑडियंस जो है वो प्लूरल है। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, आर से पता चल रहा है। देखिए प्लूरल वर्ब आप उसी के साथ लगाते हो जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। बात बाकी ये बात आप जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब और पजेसिव में एक क्या कहा जाए, सिमिलैरिटी होती है। क्या सिमिलैरिटी होती है सर, कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है सर, और जैसी वर्ब होती है वैसा पजेसिव आता है सर। बिल्कुल सही भाई, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है और वैसा पजेसिव आता है। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पजेसिव सिंगुलर आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी और पजेसिव प्लूरल आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब प्लूरल हो, पजेसिव सिंगुलर हो, ऐसा नहीं कर सकते भाई। तीनों में सिमिलैरिटी होगी, या तो तीनों सिंगुलर होंगे या तो तीनों प्लूरल होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपसे कि एक जगह आपने हैव लिखा है
और एक जगह यहाँ पर आप इसके साथ हर लगा रहे हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, तो या तो दोनों प्लूरल हो या तो दोनों सिंगुलर हो। अगर यहीं पर मैं हैव लिखता और सर यहीं पर अगर हम देयर लिखते तो ये कैसा हो जाता है? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बताओ क्लियर है भाई बात, समझ आ रही? चलो 46 क्लियर हो गया। गुड इवनिंग टू ऑल भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे सर। 47 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। 47 क्वेश्चन में द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग, अब ये देखिए बड़ा अच्छा टर्म है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एयरफोर्स के एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम में आता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। द नंबर ऑफ, और पहले तो जैसे ये पढ़ो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करते हैं, क्या क्लिक करते हैं कि सर जो द नंबर ऑफ होता है और आ नंबर ऑफ होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ होता है और आ नंबर ऑफ होता है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। पहले तो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि द नंबर ऑफ सर अलग है, अ नंबर ऑफ अलग है, ठीक है। अब देखो इसके साथ होता क्या है सर, जब द नंबर ऑफ लगाते हो तो सर हमें जो वर्ब करनी होती है वो करनी होती है सिंगुलर। एस का मतलब सिंगुलर है, वी का मतलब वर्ब है, वर्ब हमें करनी होती है सर सिंगुलर। जब हम आ नंबर ऑफ लिखते हैं तो इस केस में सर हमें वर्ब करनी होती है कैसे, प्लूरल। गॉट इट, समझ आ रही बात भाई? तो आ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर। गॉट इट, बताओ समझ आ रही बात भाई? ठीक है। अब यहां पर जो नाउन लिख रहा होगा, जिस नाउन की बात कर रहा होगा, ये नाउन बेशक प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं है, ये नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब दोनों केस में कैसी होंगी, एक केस में सिंगुलर होगी एक केस में प्लूरल। अब आइए क्वेश्चन पे, समझ आई बात भाई? इतनी बात बताइए पहले तो, आपको ये बात क्लियर हुआ, ये टर्म क्लियर हुआ जो मैं बता रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल का केस वाला? अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लिख रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना, प्लेइंग ऑन द रोड्स। आप ये देखिए द नंबर ऑफ जो है इससे पता चल रहा है ये कैसा है, द नंबर ऑफ ये है हमारा सिंगुलर है ना। व्हीकल्स ये मैंने नाउन वाली बात बताई थी कि प्लूरल होगा। प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, और इसके बाद क्या लिख रहा है, इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, ठीक है। तो ये जो इज लगा है, कई बच्चे इस बात का क्वेरी करते हैं कि सर ये इज क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ द नंबर ऑफ लिख रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ लिख रहा है इस वजह से इज लगा रहा है। अब कह रहा है मोर देन, ज्यादा है, और कहाँ के पीछे जाता है, ऑन द रोड्स ऑफ बंगलोर। अब यहाँ पर देखो जरा एक चीज समझिएगा, ठीक, यहाँ पर ये कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपने किए हुए हैं कि कंपैरिजन के टर्म में हम करते क्या हैं, किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है जो व्हीकल्स हैं, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रूट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो चलने वाले व्हीकल्स हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है ऑन द रूट्स ऑफ बेंगलोर, बंगलोर पे चलने वाले व्हीकल्स की, बंगलोर के रोड्स पर चलने वाले व्हीकल्स की। अब इसने कंपैरिजन करते समय इस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर इस रो इन बंगलोर के रोड्स पर चल कौन रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं ना, कह रहे हैं व्हीकल्स जो चल रहे हैं कहाँ, दिल्ली में, और वही व्हीकल्स जो चल रहे हैं कहाँ पर, बंगलोर में। तो यहाँ पर व्हीकल्स के लिए आपको एक प्रोनाउन लिखना पड़ेगा और वो प्रोनाउन होगा आपका दोज, तो यहाँ पर बनेगा दोज ऑफ ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, ये बनेगा भाई, ठीक। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, कई बार आप एडजेक्टिव में भी पढ़ते हो, और ये एक्चुअली मिला जुला कॉन्सेप्ट होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन का, तो कई लोग इसको प्रोनाउन में पढ़ा देते हैं, कई लोग इसको एडजेक्टिव में पढ़ा देते हैं ना। तो दैट और दो टर्म होते हैं हमारे, ठीक, सिंगुलर वाले केस में हम दैट लगाते हैं, प्लूरल वाले केस में हम दोज लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, दैट ऑफ और दोज ऑफ, दो चीजें बनती हैं, ठीक है। और प्रपोजिशन तो जैसे जरूरत है वैसे, जैसे यहाँ ऑफ लगा रहा है तो फिर ऑफ ही वाला टर्म उठाओगे, तो यहाँ पर बनेगा दोज ऑफ ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। बताओ भाई क्लियर है, ठीक है, समझ आई बात? फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के रोड्स पर चलने वाले व्हीकल्स जो हैं, ठीक
ठीक है, वो उनकी संख्या ज्यादा है किसके अपेक्षा, बंगलोर के रूट्स पर नहीं, बंगलोर के रूट्स पर चलने वाले व्हीकल्स की। तो यहाँ पर दोबारा व्हीकल्स तो लिखोगे नहीं, या तो ये लिखते द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रूट्स ऑफ बेंगलोर, इस तरीके से लिखते तो पूरा टर्म डिफाइन ना करने की वजह से हमने ये दोज लगा दिया, और दोज इंडिकेट कर रहा है किसको, व्हीकल्स को। समझ आ गई बात, समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 भाई, इसको वीवीआईपी डालो पहले, तो ये हमारे लिए वीवीआईपी गेस्ट है, अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो तो ये भाई वीवीआईपी गेस्ट है। मान लो बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब जानते हो, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर अनाथ लोगों को रखा जाता है। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट करे, ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट करे, ध्यान से सुनिएगा, और उसी की बात आप इस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है, कह रहा है, कह रहा है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्धन या गरीब, ठीक है, निर्धन या गरीब, ठीक, और ये जो बात यहां पर कर रहे हो, देखिए जैसे बीइंग अ डेस्टिट्यूट, ठीक है, इसका मतलब है निर्धन होने पर या निर्धन होने के कारण आई एडमिटेड हिम, मैंने उसको एडमिट कर दिया कहां पर, टू एन ऑर्फनेज, एक अनाथालय में, ठीक है, तो डेस्टिट्यूट है कौन, आई नहीं, अगर ये देखो जब भी बीइंग के साथ जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके लिए आज सब्जेक्ट ना दिखाई दे तो फिर इसके पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा बीइंग के पहले। फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा बीइंग अ डेस्टिट्यूट ये जो लिखा हुआ है टर्म, इसके लिए ये जो टर्म है ये इस सब्जेक्ट के लिए यूज होना चाहिए, तो इसके पहले सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये टर्म जो लिखा हुआ है और इसका यूज इसके लिए अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, वही सब्जेक्ट जो इसके लिए यूज होना था, है ना, तो फिर उसकी तो उसके इसमें क्या करेंगे, इसके पहले हम इसका सब्जेक्ट लगाएंगे। समझ आ रही बात भाई, बीइंग अ डेस्टिट्यूट निर्धन कौन है, निर्धन हिम है, ठीक है, ना कि आई है, आई ने तो केवल एडमिट किया है, ठीक है, किसको एडमिट किया है, हिम को, कहां पर, ऑर्फनेज में, तो इसका मतलब है जो डेस्टिट्यूट है वो है कौन, डेस्टिट्यूट जो है वो हिम है, या तो हिम को पहले लेकर के आओ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके पहले सब्जेक्ट लगा दो, और हिम के अनुसार यहाँ पर पहले सब्जेक्ट क्या लगा दोगे, ही, तो ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, राइट आंसर विल बी। चलो अब समझ आ गया, फिर से सुन लो ये भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो, एक एक टर्म मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी वजह से बीइंग अ डेस्टिट्यूट है ना, निर्धन होने की बात कर रहा है, और निर्धन कौन है, आई नहीं है सर, हिम है, ठीक है, तो इसके अनुसार फिर सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा, ठीक, लिखोगे सब्जेक्ट तो यहाँ पर हिम के अनुसार सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, ही, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट। अब समझ आया, चल क्वेश्चन नंबर 49 अगले वाले पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है भाई 49 में, जरा देखो कोशिश करो 49 में क्या कह रहा है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस और इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज, कह रहा है इंसान को क्या करना चाहिए भाई, अपनी बात का धनी होना चाहिए, है ना, अपने बात को पूरा करने वाला होना चाहिए, है, यदि वह रिस्पेक्ट चाहता है किससे, अपने फ्रेंड से और एनिमीज से, है ना, सभी से अगर उसको रिस्पेक्ट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात का धनी होना पड़ेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो एक चीज समझिएगा, क्या समझते थे हम, वन के जो केसेस होते हैं वो होते हैं हमारे वन वंश, याद है, वन वन वंश, ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, ये होता है सर हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और ये होता है हमारा सर कौन सा, पजेसिव केस, और जब भी वन वाले केसेस यूज करोगे दूसरा कोई केसेस नहीं आएगा, ये बात भी क्लियर है। वन यहाँ सब्जेक्ट हो गया था, जब ये सब्जेक्ट हो गया तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, किसका प्रॉमिस, वन का प्रॉमिस, है ना, इसका मतलब है कि इस चीज को हटाओ और इसकी जगह इसका पजेसिव लिखो, और पजेसिव लिखोगे तो क्या लिखोगे, वंश। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सर वन का प्लूरल जो होता है वो होता है आपका वंश, ओ एन ई एस, ये कैसा होता है सर, सिंगुलर, ये कैसा होता है सर, प्लूरल, गॉट इट। चलो अगले वाले पे आते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 50, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, बताओ इसमें क्या करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक है,
लास्ट समर, ठीक है ये तो सही लिखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आई वेंट टू शिमला, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इंजॉयड, ठीक है जो इंजॉय कर रहा है, ठीक है, और जो इंजॉयमेंट ले रहा है, दोनों के दोनों पर्सन सेम है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था भाई आपको कि कभी भी ऐसे सिचुएशन आए किसी वर्ब के लिए कि जब ये डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेल्फ वाला वर्ड का यूज करते हैं। यही सेल्फ वाला वर्ड क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर क्या करोगे, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई। तो माई का रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा सर, माई सेल्फ, ये बन जाएगा। गॉट इट, समझ आ रही बात, बताओ भाई। तो ये बनेगा आपका लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, देखो 50 के बाद 51 पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है इसको, अब ये देखो इसके बाद बींग वाला क्वेश्चन लगा है, जरा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। 52 वाला भी, बींग वाला मैंने आपको पूरा टर्म समझाया था, है ना। चलिए क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इफ आई वर हिम, ठीक है, आई वुड टीच हिम अ लेसन। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखो इधर ये जो वर लिख रहा है, ठीक है, मेन रोल लिखता है। तो अगर बी फॉर्म के बाद, अगर बी फॉर्म यूज करो और बी फॉर्म के बाद, ठीक है, आप क्या करते हो, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और चूंकि सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो यहाँ पर हिम जो होता है वो कौन सा केस होता है सर, ऑब्जेक्टिव। ही हिम हिज आप जानते हो, तो ये सब्जेक्टिव लगाओगे। तो इफ आई वर ही, और ये देखो आई के साथ वर इस वजह से लगा रहा है चूंकि कंडीशनल सेंटेंस है। तो आगे आप पढ़ोगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, वहां पर भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इफ आई वर ही, ये सही हो जाएगा आपका, आई वुड टीच हिम अ लेसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं गाइस। 52 देखो इसको आप सॉल्व करना चाहिए था आपको, क्योंकि बींग वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या लिख रहा है, बींग अ रेनी डे, ठीक है, मतलब रेनी डे होने पर क्या हुआ, रेनी डे होने के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा सका। अब मैंने कहा था जो बींग के साथ ये बात लिख रहे हो, क्या बात लिख रहे हो बींग के साथ, देखो जरा ध्यान से, बींग के साथ पूरी बात लिख रहे हो अ रेनी डे करके, है ना, और ये पूरा का पूरा यूज कर रहे हो किसके लिए, आई के लिए, है ना, मैंने कहा था आगे वाले सब्जेक्ट के लिए यूज। तो क्या ये रेनी डे के लिए आई लगा सकते हो, नहीं, जैसे डेस्टिट्यूट वहां पर आई नहीं था, वैसे रेनी डे यहाँ पर आई नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके पहले फिर इस केस में हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लगाएंगे और वो रेनी डे के अनुसार आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा दोगे, इट। और ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन चीजों की क्लैरिटी रखें आप। तो यहाँ पर सही होगा, इट बींग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। गॉट इट, चलो समझ आ गया। तो इसके पहले हम क्या लगा दें, इट, और सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखो तो भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 53 और आंसर करने की कोशिश करो कि 53 का सही आंसर क्या होगा, 53 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए 53 की अगर हम बात करें गाइस, तो 53 में देखो क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक, कोई एक, और वन ऑफ जब स्टार्टिंग में लगा होता है तो सिंगुलर की तरह भी हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए वन ऑफ के बारे में दो दो बातें बता दे रहा हूं मैं आपको, ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं। वन ऑफ के दो टर्म है कि वन ऑफ आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख सकता है, कहां पर दिखाई देगा गाइस, स्टार्टिंग में, और वन ऑफ कहां पर दिखाई देगा सर, ये मिडिल में दिखाई देगा, ठीक है, दोनों जगह दिखाई दे सकता है, स्टार्टिंग में एंड मिडिल में। जब ये स्टार्टिंग में हो तो सर वर्ब सिंगुलर यूज किया करिए, वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, और जब ये मिडिल में हो तो सर वर्ब प्लूरल यूज किया करिए, ठीक है। गॉट इट, समझ आ रही बात भाई। तो जब स्टार्टिंग में होगा तो वर्ब सिंगुलर, जब मिडिल में होगा तो वर्ब प्लूरल, ठीक है,
दोनों चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टार्टिंग के केस में वर्ब सिंगुलर और जब ये मिडिल में होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट। अब वन ऑफ लगा स्टार्टिंग में सर, जब स्टार्टिंग में लगा तो ये वर्ब होगी सिंगुलर, हालांकि फॉरगॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इससे आपको नहीं पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। तो इसके लिए हम आगे बड़े पजस्सिव पर, मैंने कहा था जैसा वर्ब होगा वैसा पजस्सिव होगा, वॉट इट। तो यहां पर क्या करोगे कि वन ऑफ सिंगुलर है, फॉरगॉट सिंगुलर, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका सिंगुलर लिखेंगे, और सिंगुलर लिखोगे तो सर आपको करना पड़ेगा हिज, क्योंकि यहां पर पर्सन की बात कर रहा है, उसके अनुसार फिर देर नहीं लगा पाओगे, हिज लगेगा। ठीक है, समझ आ रही बात। ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज कराता है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, गड़बड़ बहुत करते हो, इस तरीके का क्वेश्चन देखते हो। देखिए लिख रहा है मिस्टर शर्मा, बिल्कुल सही है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल बी अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, ये लिख रहा है। तो मिस्टर शर्मा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, अब इसके बाद इसने ही गलत लगा दिया। मैंने कहा था प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस तभी लगाया करिए जब कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मिस्टर शर्मा के लिए आपने क्या किया, ही लगाया, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी को क्या करना पड़ेगा सर, ड्रॉप करना पड़ेगा। Got it? चलिए, तो ये भी क्लियर हो गई बात आपकी। क्वेश्चन नंबर 54, आइए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 55 में अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और मेरे ख्याल से आप बड़े आसानी से बता दोगे। कह रहे ईच गर्ल वॉज गिवेन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वॉज हैप्पी, ये ऐसे लिख रहे हैं ईच गर्ल। अब एक एक टर्म अगर आप डिफाइन करोगे तो बड़े आसानी से बता पाओगे कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है। चलिए आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक टर्म हम डिस्कस करते हैं। तो ईच गर्ल, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, ठीक है, आप कह रहे हैं एंड सी वॉज हैप्पी, ये जो सी लगा रहा है किसके लिए लगा रहा है, ईच गर्ल के लिए। तो यहाँ पर हर एक की बात की जा रही है, इसका मतलब फिर यहाँ पर हमें जो प्रोनाउन लगाना पड़ेगा वो दे लगाना पड़ेगा, और दे के अनुसार फिर क्या लगाएंगे, वर्ब, दे के अनुसार हम वॉज नहीं लगा सकते। तो ये राइट आंसर होगा आपका दे वर्ब। गॉट इट, तो ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड दे वर हैप्पी। चलिए 56 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बता पाएंगे आप। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, अब ये देखते कभी भी सेल्फ वाले वर्ड को सब्जेक्ट मत बनाइए। मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि भाई जब भी सेल्फ वाला वर्ड हो तो उसकी जगह पर उससे स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, आई लिखोगे, और आई लिखोगे तो सिक्वेंस भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-3-1 होता है, 2-3-1, वैसे ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है हमारा 2-3-1, और इसमें 2 है नहीं तो 3 पहले 1 बाद में। तो यहाँ पर आपका बनना चाहिए ये ही एंड आई, ये बनेगा आपका ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, और कई बार हम अपना इंट्रो सेल्फ वाले वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं गाइज, वो भी गलत होता है। क्यों गलत होता है, कई बार इंटरव्यूअर उसमें भी इंटरप्ट करते हैं कि भाई सेल्फ वाले वर्ड से अपने सेशन की शुरुआत मत करें। 56 के बाद आता है 57। देखिए अब ये क्या लिख रहा है भाई, इसको समझिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द गंगा इज अ रिवर हुज ऑरिजिन हैज बीन ऑलवेज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, ये लिख रहा है। गंगा इज अ रिवर, बिल्कुल सही है, हुज ऑरिजिन, अब देखो ये जो हुज है ना ये हमेशा लिविंग के साथ यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा लिविंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हो, ये जो यूज कर रहे हो गंगा के लिए यूज कर रहे हो जो कि रिवर है, तो इसके लिए आप हुज नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं द ऑरिजिन ऑफ विच, द ऑरिजिन ऑफ विच, जिसके ऑरिजिन की हम बात करें, ऑरिजिनेशन की बात करें, तो द ऑरिजिन ऑफ विच, समझ आ रही बात। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हुज जो लगा रहा है ना वो रिवर के लिए लगा रहा है, रिवर के लिए लगा नहीं पाओगे, चूंकि रिवर के लिए लगा नहीं पाओगे इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई बात भाई, चलिए ठीक। तो पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट है भाई, बी पार्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट क्या है आपका, इनकरेक्ट है।
चलिए 58। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। एजेंट किट ये लिख रहा है। अब देखो जरा एक क्वेश्चन टैग बना दिए, जब इस तरीके से कभी लिखा हुआ करे ना तो आप समझ लिया करो क्वेश्चन टैग बना रहा है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन टैग बना रहा है तो क्वेश्चन टैग आपको सही बनाना होता है। यहाँ पर इज लिख रहा है, सर इज लिख लिया। माई फ्रेंड के लिए इट लगा नहीं पाएंगे तो इसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एजेंट ही, राइट आंसर विल बी एजेंट ही, ठीक है। माई फ्रेंड जो के लिए हम क्या लगाएंगे ही। चलिए 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। 59 क्या लिख रहा है देखो जरा इसको समझो। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। इन दो प्लेयर्स में कौन अच्छा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हु इज बेटर नहीं, यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो हु को सही मान लेते हैं। यहाँ पर आएगा विच इज बेटर। और ऐसा क्यों आएगा कि विच का एक यूसेज आपका ये भी होता है, विच का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, सिलेक्शन के लिए। जब भी सिलेक्ट करने की चीज बात सिलेक्ट करने की बात आएगी तो हम वहां पर हु का यूज न करके विच का यूज करेंगे। विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, गॉट इट। तो यहाँ पर पार्ट कौन सा इनकरेक्ट हो गया हमारा, सी। ये पार्ट इनकरेक्ट हो सॉरी पार्ट नंबर इनकरेक्ट होगा आपका बी, ये वाला, ठीक है। अब विच के दो यूसेज आप जानते हो अच्छे तरीके की, विच का यूज सिलेक्शन के लिए करते हैं और विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, क्लियर। अगले वाले पे आओ। इट इज द बेस्ट, ठीक है। अब बेस्ट देखो, जब भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे जाए तो आप तुरंत तो उसकी जगह पर क्या करोगे, विच का यूज नहीं करोगे, सिर्फ दैट का यूज करोगे। ध्यान रखिए किसका यूज करोगे, सर दैट का, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बन जाएगा आपका इट इज द बेस्ट दैट, यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा टर्म क्या निकल करके आया, इस सर जब भी सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के केस में अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाएंगे दैट, ठीक है। इतनी सी बात थी, समझ आ गई बात। चलिए और अच्छी बात, तो ये क्वेश्चन 60 तक आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन 60 तक। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से। और इसमें अभी आगे क्वेश्चंस है तो उनकी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सेशन में हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पर आपसे लेते हैं इजाजत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।